फैमिली आईडी बड़ी खुशखबरी। अब फैमिली आईडी ठीक कराने की नहीं जरूरत, फैमिली आईडी को लेकर नया आदेश जारी हो गया दोस्तों। तो अब कई भाई पूछेंगे भाई जरूरत है ठीक कराने की कौन, तो क्यों फैमिली आईडी बंद हो, तो भाई अपने पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देवांगे। सरकारी आदेश आया है कि भाई फैमिली आईडी में अगर कोई गलती है तो उसे ठीक कराने की कोई जरूरत नहीं है। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मोस्ट अर्जेंट लेटर जारी किया गया है, आप ये देख सकते हैं, सिटीजन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट जिसे क्रीड हम कहते हैं उसकी तरफ से जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के ऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल डिपार्टमेंट जितने भी दोस्तों हैंडलिंग माइनर नेम डिस्पेंसिंग डाटा रिसीव, आप ये देख सकते हैं ऑफिशियल लेटर है। इसमें दोस्तों आपको लेटर की मैं जो है इंग्लिश टू हिंदी कर लिया मैंने आपके लिए, तो मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। परिवार सूचना डेटा रिस्पॉन्स एफ IDR, परिवार पहचान पत्र से प्राप्त डेटा और नागरिकों द्वारा सेवा उनके लिए आवेदन से प्राप्त प्रस्तुत दस्तावेजों में मामूली नाम विसंगतियों को संभालना। तो दोस्तों इस लेटर में साफ साफ आप देख सकते हैं, ध्यान आकर्षित करते हुए बताने का निर्देश दिया गया कि परिवार सूचना डेटा परिवार पहचान पत्र आधार में दर्ज निवासी नागरिकों के नाम रखता है। यह देखने में आया है कि विभाग डेटा पुनर्प्राप्त करते हैं नागरिकों को कुछ सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से PPP में दर्ज व्यक्तियों के नामों और नागरिकों को उनके आवेदन के साथ साथ एक दस्तावेजों में प्रदान किए गए नामों में कभी कभी छोटी विसंगतियां नोट की जाती हैं। सेवा के लिए विसंगतियां अक्सर वर्तनी में मामूली दबाव बदलाव के कारण हो जाती है। दस्ते सिंह कुमार ये जो लगाते हैं दोस्तों उनकी व्याख्या लिखने और वर्तनी में अलग होती है, इसलिए इसके अतिरिक्त विसंगतियां शैक्षणिक दस्तावेजों में माता पिता के नाम, पिता का नाम या माता के नाम के गैर मानकीकरण के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। इस मामले में सरकार द्वारा सभी विभाग बोर्ड निगम विश्वविद्यालय और अन्य राज्य के उपकरणों को FDR से प्राप्त डाटा की तुलना करने के लिए ऐसे मामूली बदलाव को अंदर नजरअंदाज करने के बारे में कहा गया। जैसे आपका नाम फैमिली आईडी में अभी राम कुमार है और आपकी दसवीं जैसे DMC शैक्षणिक जो कागज है उनमें आपका नाम राम है, तो कोई इसको गलत नहीं मानेगा, राम और राम कुमार दोनों को एक माना जाएगा। और चैनल पर नए हैं दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को भी लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एक माना जाएगा। कुछ भी पूछना तो दोस्तों कमेंट के पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कुछ भी पूछना कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपको इस प्रकार के नाम नूम ठीक करवाने की कोई खास जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी इनको एक ही माना जाएगा, आप जो चाहें वो करवा सकते हैं। वीडियो को भी लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कुछ ही पूछना कमेंट जरूर करें।